बात करते हैं एक बड़ी खबर की। जी हाँ, जी हिंदुस्तान के एक बड़े खुलासे की। दुश्मन की गोली और मौसम की बेरहमी से बेपरवाह वो 24 घंटे और 12 महीने डटे रहते हैं, तमाम मुसीबतें झेल रहे हैं ताकि हम सुकून से अपने घरों में सो सके। लेकिन उन्हीं जवानों को लेकर सरकारें कितनी संवेदनहीन होती हैं, इसी को लेकर बड़ा खुलासा कुछ दस्तावेज कर रहे हैं जो जी हिंदुस्तान के पास मौजूद है। रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि बर्फीली चोटियों पर तैनात जवानों को कपड़े समेत तमाम दूसरे साजो सामान के लिए जिस विदेशी कंपनी को ठेका दिया गया वो पहले से ही सवालों के घेरे में थी। श्रीलंका की ये कंपनी पहले भी घटिया सामान को लेकर सवालों के घेरे में आ चुकी है और बाकायदा 2015 में मौजूदा सरकार की जाँच में ये बात सामने आई थी। लेकिन बावजूद इसके श्रीलंका की कंपनी रेनवेयर प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों का ये ठेका दिया गया। सरकारी दस्तावेजों के आधार पर यह बड़ा खुलासा हुआ है जहां पर एक दागदार कंपनी को सैकड़ों करोड़ का ठेका दिया गया। सेना के जवानों के साथ सरकारी धोखे पर यह सबसे बड़ा खुलासा है जहां पर घटिया सामान उपलब्ध कराने वाली कंपनी को ठेका दिया गया। विशाल हिम पर्वत, जमीन ऐसी बंजर और दर्रे इतने गहरे कि यहां जिंदगी का नामो निशान नहीं है। जहां चारों तरफ सफेद बर्फ की मोटी चादर और हाड़ गला देने वाली ठंड है। जहां महज 15 सेकंड में ही शरीर का कोई भी खाली हिस्सा सुन्न पड़ सकता है। इस खतरनाक जगह को दुनिया सियाचिन के नाम से जानती है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर है, जहां सरहद की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है हिम योद्धाओं की टोली। यहां पर एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन की नापाक नजर है, पर जवानों का इन सबसे भी बड़ा दुश्मन यहां का मौसम है। सख्त मौसम से लड़ने के लिए सैनिक कपड़ों की कई तह पहनते हैं। सबसे ऊपर जो कोट पहनते हैं उसे स्नो कोट कहते हैं। सैनिक लकड़ी की चौकियों पर स्लीपिंग बैग में सोते हैं। जवानों के जूते बेहद ही अलग तरह के होते हैं। पर क्या इन बर्फीली चोटी पर तैनात जवानों के साथ बरती जा रही है बड़ी लापरवाही? क्या इन जवानों को मुहैया कराए जाने वाले कपड़ों और साजो सामान के साथ समझौता किया जा रहा? क्या बर्फीले तूफानों का सामना करने वाले सफेद पहाड़ के पहरेदारों से धोखा हो रहा है? जो बर्फीली चोटियों पर जवान देश के सरहद की सुरक्षा करते हैं, ठंडे इलाकों में दिन और रात बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे जान की जो रक्षा करते हैं, उन जवानों, उन सैनिकों के साथ कैसे लापरवाही हो रही है, कैसे उनके जान को जोखिम में डाला जा रहा है। जी हिंदुस्तान के पास ये दस्तावेज हैं जिनसे आज हम बड़ा खुलासा करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। ये सरकार की पोल खोलने वाला वो दस्तावेज है जिसमें भारतीय सेना के साथ हुए धोखे की पूरी दास्तान छिपी है। इस रिपोर्ट में जो लिखा है उसे जानकर आप परेशान हो जाएंगे। दरअसल अपने घर परिवार से दूर बर्फीली चोटियों पर हिंदुस्तान के इन रखवालों को मौसम से लड़ने के लिए जो सामान मुहैया कराए जाने हैं उसकी खरीद में कैसे लापरवाही बरती गई, उसका सनसनीखेज सच है इस रिपोर्ट में। 130 करोड़ देशवासियों को परेशान करने वाली सच्चाई को जानने से पहले जानिए कि ये रिपोर्ट हम दिखा क्यों रहे हैं। दरअसल देश की बर्फीली चोटियों पर तैनात जवानों के साजो सामान के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक विदेशी कंपनी से करार किया है। श्रीलंका की कंपनी रेनवेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये समझौता इसी साल 20 जुलाई को हुआ। जवानों के कपड़ों और बाकी साजो सामान के लिए रेनवेयर को करोड़ों का ठेका दिया गया, जिसमें सेना के लिए 30,000 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम यानी ठंड से बचने वाला संसाधन मंगाया जाना था। जी हाँ, सरहद की सुरक्षा में तैनात हिम योद्धाओं के साजो सामान के लिए जिस रेनवेयर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, असल में उस कंपनी के दामन पहले से ही दागदार हैं। श्रीलंका की वो कंपनी पहले भी देश की रक्षा कर रहे जवानों के लिए 2M दर्जे का सामान मुहैया करा चुकी है।
एनडीए सरकार से पहले यूपीए सरकार के दौरान भी कंपनी ने ऐसे ही सामानों के लिए करार किया था जो सेना के मानदंडों पर कहीं से खरा नहीं उतरता। इस कंपनी पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से पहले भी सवाल उठाए गए। इसकी तस्दीक रक्षा मंत्रालय की ही एक रिपोर्ट में होती है। दरअसल रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले इक्विपमेंट मैनेजमेंट डायरेक्टरेट ने रिपोर्ट जारी की थी। 22 जून 2015 को एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें साफ साफ बताया गया है कि इस विदेशी कंपनी ने 2012 में सियाचिन में तैनात जवानों के लिए जो 3 लेयर स्नो सूट मुहैया कराया था वो सेना के मानदंडों पर खरा नहीं उतरा था। यानी विदेशी कंपनी के सामान से मंत्रालय भी संतुष्ट नहीं था। जब पिछले 10 सालों में सियाचिन में करीब 1000 जवानों की मौत सिर्फ मौसम की वजह से हुई है। सियाचिन में किसी भी भारतीय फौजी के लिए सबसे बड़ी चुनौती शरीर को गर्म रखना है। शरीर गर्म नहीं रहने पर वे हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हैं जिसमें शरीर के अंग नीले पड़ जाते हैं। कई बार उन्हें शरीर के उस अंग को काटना भी पड़ जाता है या फिर भयंकर सर्दी के असर से मौत तक हो जाती है। सेना के कपड़ों और दूसरे संसाधनों के लिए जो सामान खरीदे जाते हैं उसका टेंडर या ई टेंडर क्यों नहीं होता? क्या वजह है कि सीधे मनपसंद कंपनियों को बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट करके ठेका दे दिया जाता है? ठेका देने से पहले उस कंपनी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को क्यों नहीं देखा जाता? क्या सेना के सामानों की खरीद फरोख्त में पारदर्शिता नहीं बरती जानी चाहिए? गोपनीयता के नाम पर कब तक खेल करते रहेंगे रक्षा मंत्रालय के अधिकारी? इसका जवाब जरूरी है क्योंकि सवाल देश के जवानों का है, देश की सुरक्षा का है, भरोसे का है। पर बड़ा सवाल यह है कि यह महज सरकार के स्तर पर लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई घोटाला है? इसका जवाब तो सरकार ही देगी, लेकिन हमारा मकसद है कि सेना के जवानों की जिंदगी से जो खिलवाड़ हो रहा है वो न हो। सेना के जवानों के सामान खरीदे जाते हैं, अगर उसकी गुणवत्ता में लेस मात्र भी कहीं संदेह होगा तो उसका मुद्दा हम उठाएंगे। हमारी कोशिश इसे सनसनीखेज बनाना नहीं है बल्कि सच की तह तक जाना है। आशीष कुणाल, जी मीडिया। और इस पर चर्चा के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, वहां से हमारे पॉलिटिकल एडिटर आशीष कुणाल सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो जवान अपनी जान जोखिम में डाल के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उन्हीं के ही क्लोदिंग या कह लीजिए गियर पर इतना बड़ा समझौता किया जा रहा है, वो भी एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो पहले से सवालों के घेरे में है। देखिए आस्था, एकदम सवाल तो उठता ही है, और सवाल इसलिए उठता है कि ये देखिए मेरे पास जो कागज़ हैं ये 20 जुलाई 2017 के हैं जो हम दिखा रहे हैं लगातार, यानी लगभग इसी साल 4-5 महीने पहले की ये के कागज़ हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले जो एक डिपार्टमेंट है जो कपड़े खरीदता है एक्सट्रीम वेदर क्लोदिंग सिस्टम, उनके बीच और एक विदेशी कंपनी के बीच का ये करार है, जहाँ पर जो सेना के जवान बर्फीली चोटियों पर सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में, ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनके लिए 30,000 से ज़्यादा सेट कपड़े और बाकी जो साजो सामान होते हैं वो खरीदने का ठेका दिया गया। यहाँ तक कोई बात नहीं है, मगर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये कंपनी है कौन, इसके लिए हम पीछे हमें जाना होगा। ये दूसरे कागजात हैं, ये 2015 के हैं। 2015 के कागजात बहुत बड़ा खुलासा करते हैं, ये इस कंपनी के बारे में कुछ बताते हैं। ये भी जो कागजात हैं ये उसी डिपार्टमेंट के हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसी डिपार्टमेंट की जिसने अभी हाल में कॉन्ट्रैक्ट किया है इस विदेशी कंपनी के साथ। 2015 की ये रिपोर्ट बताती है कि 2012 में इसी कंपनी को सियाचिन में सैनिकों के लिए कपड़े और बाकी साजो सामान सप्लाई करने के लिए ठेका दिया गया था, और वो ये कहते हैं कि रेनवेयर श्रीलंका प्रेज्यूमली डिड नॉट परफॉर्म अप टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी जो कंपनियों ने सप्लाई किया था सामान का उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो सही नहीं था, और सियाचिन ग्लेशियर में जो जैसा होना चाहिए वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, यानी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में ये कंपनी थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई कंपनी जिसने पहले सामान सप्लाई किया था और सियाचिन में उसके सामान सप्लाई में गड़बड़ी पाई गई थी, उसे दोबारा क्यों उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? फिर से ठंडे इलाकों में जो इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ों के सप्लाई है उसकी जिम्मेदारी उन्हें क्यों दी गई? दूसरा सवाल है कि क्यों नहीं टेंडर किया जाता है और गुपचुप तरीके से सीधे कॉन्ट्रैक्ट करके इन्हें करोड़ों का ठेका दे दिया जाता है? ये सारी चीज़ें ये बताती है कि सरकारें तो बदल जाती है पर सिस्टम नहीं बदलता,
ये जो पूरा ये जो पहले जो कंपनी थी जिस पे दाग जिसे पुराना ठेका दिया गया था वो यूपीए सरकार का 2012 का मामला है, जब इस कंपनी को, श्रीलंका की ये कंपनी है, इसे सरकारी ठेका दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। और उसके बाद ये हम 2017 की बात कर रहे हैं, 5 सालों बाद आप देखिए कि एक कंपनी जिसे दागी करार दिया है खुद डिफेंस मिनिस्ट्री ने, सरकारें बदल जाती है, तमाम तरह की बातें होती है भ्रष्टाचार की और बाकी चीज़ों की, मगर सिस्टम वही रहता है। सत्ता में बैठे हुए चेहरे बदल जाते हैं, सूरत बदलती है पर सीरत नहीं बदलती है। ये हकीकत है ये सिस्टम का कि कैसे जो नीचे बैठे हुए लोग हैं उनका सिस्टम चालू रहता है। एक दागी कंपनी को बिना वेरीफाई किए हुए, बिना पुराने रिकॉर्ड्स देखे हुए कि किस तरह से उसने लापरवाही की थी, बहुत गंभीर आरोप हैं। ये बताया था इस कंपनी ने कि -40 तक जो हम कपड़ा आपको सप्लाई कर रहे हैं वो -40 डिग्री तक टेम्परेचर को सह सकता है, जबकि उसका एग्जामिनेशन किया गया तो ये पता चला कि -15 डिग्री से ज़्यादा वो ठंडे मौसम में वो कपड़े काम नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा धोखा अगर आप समझिए किसी कंपनी ने किया था भारत सरकार के साथ, उसको ब्लैकलिस्ट करके उस पर कार्रवाई करके उन लोगों को पकड़ने की जगह उन्हें दोबारा ठेका दिया जा रहा है, उसी तरीके के सामान फिर से सप्लाई करने का ठेका दिया जा रहा है जिसमें पहले वो दागी थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है सिस्टम पर। और सबसे बड़ी बात उन सैनिकों और जवानों के लिए, ये बात बार बार सामने आती है कि उनके उन्हें जो सप्लाई दिया जाता है, चाहे खाने पीने की बात हो, उनके कपड़े की बात हो, ये फुट सोल्जर्स हैं जो नीचे के लेवल के नीचे पायदान पर हैं, बार बार आप देखिए खबरें भी आती है जो जवान हैं वो अपनी तरफ से चाहे वीडियो बनाकर या बाकी चीज़ों में अपना जो दर्द है वो बयां करते रहते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से जो सेना में ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, रक्षा मंत्रालय में जो बड़े सेना के अफसर हैं, वो किस तरीके से उनकी लापरवाही के कारण जो निचले स्तर पर जो बॉर्डर पर खड़े हमारे जवान हैं किस तरीके से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, इसकी आवाज़ खुद वो उठाते रहे। मगर आज हमारे पास वो दस्तावेज़ हैं जो बताते हैं कि कैसे होता है ये सब, किस तरीके से एक विदेशी कंपनी को ठेका दिया जाता है, उस ठेके में कैसे गंभीर लापरवाही पाई जाती है। वो कंपनी ये कहती है कि जो हमारे सियाचिन में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको इस तरह के कपड़े लेने होंगे, बाद में जो स्पेसिफिकेशंस हैं जानकारी है उसमें ये होता है कि कोई मॉइस्चर नहीं है वहाँ पर, उन्होंने कहा H1N1 जो फ्लू है उसका डर है, तो कपड़े में उस तरह के स्पेसिफिकेशंस हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो प्रिवेल नहीं करती है सियाचिन में, उसके आधार पर कपड़े सप्लाई किए जाते हैं, टेम्परेचर अलग बताया जाता है, जाँच में पाया जाता है कि सब कुछ गलत था और फिर उस कंपनी पर कार्रवाई करने की जगह दोबारा उसे ठेका दिया जा रहा है। ये बहुत गंभीर सवाल है, भ्रष्टाचार है या नहीं है मगर लापरवाही ज़रूर है। क्या किसी अधिकारी ने ये देखा नहीं कि जिसे हम दे रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस तरीके से इस कंपनी का जो पीछे का रिकॉर्ड है 5 साल पहले जब इसने सियाचिन के लिए जो सामान सप्लाई किया था उसमें किस तरह से लापरवाही और कोताही बरती थी इस कंपनी ने, इसकी जांच ना कर कर फिर से उन्हें इसी तरीके से एक्सट्रीम क्लोथिंग सिस्टम का ठेका दे देना, ये बहुत गंभीर सवाल है और हमारे जवानों की सुरक्षा से, उनकी जान माल से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए जाहिर तौर पर ये गंभीर मामला है आस्था। जी हाँ, बेहद गंभीर ये मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर तमाम चर्चा के लिए। जी हिंदुस्तान के पास वो दस्तावेज भी मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि किस तरीके से एक कंपनी जो पहले से सवालों के घेरे में है ऐसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, उन सैनिकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो देश की रक्षा में दिन रात डटे हैं, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में भी ठीक तरह से क्लोथिंग और उसकी एक्सेसरीज जो गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरती, ऐसा सामान इन जवानों को पहुंचाया जा रहा है।